भाई ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है आप मैंने देख खेत सकते के लिए हैं। आया था और खेत को गेहूं देखने के लिए आया था, और मेरे खेत में इस तरह से धुंधी मची हुई है कि आपको दिखलाएंगे कुछ कहने को नहीं। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जा सकूं और उन जानवरों को मैं खरीद सकूं, क्योंकि ये जानवर इतने खतरनाक है कुछ कहने को नहीं। कि मैं और मेरे साथ एक मित्र और आए थे, लेकिन वो बताए छोटे हैं काफ़ी, इसलिए वो जा नहीं सकते। मैं अब वीडियो के माध्यम से आपको दिखलाऊंगा कि क्या कंडीशन है। जब भी कुछ पंक्तियां हैं मुझको याद आती हैं तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं भाइयों बहनों, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं क्या हो रहा है, किस तरह से फसल की बर्बादी हो रही है। वर्षों से जो नहीं हो रहा वो अब हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई खेत नहीं है। जो खेत है वो जानवर इस तरह से चर रहे हैं कुछ कहने को नहीं। मैं अपने खेत सुनना घूमने के लिए आया कि शायद गेहूं पक गए हों, लेकिन गेहूं पकेंगे बाद में सांड चढ़ रहे हैं पहले, वो बचने के लायक ही नहीं रखेंगे, क्योंकि शायद मेरे पीछे कुछ जानवर आपको दिख रहे होंगे। और ख़ासकर ये जानवर जो पाछे आपको दिख रहे हैं, भारी संख्या में जानवर हैं, किस तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो पीछे भाई दिख ये रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है आप देख सकते हैं। ये मेरा गेहूं लगा हुआ है और एक नहीं कम से कम अनेक इसमें सांड हैं। बताओ इसमें क्या होने वाला है। ये कंडीशन है भाई उत्तर प्रदेश की, कम से कम 4-6 सांड हैं और लगभग में 4-6 इसमें गायें घुसी हैं। अब बताओ किसकी गलती है, किसान की गलती है या सरकार की गलती है। और इस तरह से भाई खेत को बर्बाद कर रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इन जानवरों के पास अकेले व्यक्ति नहीं जा सकता, अगर जाओगे तो मारे जाओगे। और ये इतनी तेज़ ये मारने के लिए दौड़ते हैं कुछ कहने को नहीं, बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं मारने के लिए। तो समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इनके पास कोई नहीं जा सकता है मारने के लिए कि हाँ खरीद दे तो ये चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से कंडीशन है यहाँ की।